हेलो फ्रेंड, आज मैं इस तरह का टॉप बनाने वाली हूँ जो आप जींस पे ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ फोल्ड करके रख लिया है। इधर मैंने 1 इंच लगभग 1.5 इंच डबल फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा रखा है और यहाँ हम तीरा लगाएंगे। यहाँ हम सिलाई डालेंगे तो इसलिए मैंने बाहर की साइड रखा है जो बंद साइड है, और यहाँ से तीरे का निशान लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा छोड़ा है वहाँ से नहीं लगाएंगे, जो हमारा कम वाला है उसमें लगाएंगे। तो ये हमने पूरे नीचे तक जितनी लेंथ हमें रखनी है, तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको जींस पे डालना है कैसे डालना है। और यहाँ से ये मैंने गले का निशान, और यहाँ तीरा मैंने 6 इंच और 6 इस तरह से, और यहाँ जो हम नॉर्मल हम जो फिटिंग का निशान लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही निशान रहेगा। बस ये जो एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं ये 1.5 इंच या करीबन 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे, और लगभग 12 इंच नीचे तक इस पर मैंने चौक से निशान लगा दिया। यहाँ तक हमारी सिलाई जाएगी बिल्कुल सीधी सीधी, इसे हमें कुछ भी अलग से नहीं करना। तो इसको आप देख सकते हो, मैंने यहाँ से इसका कमर के हिसाब से लगभग आइडिया लिया है, और नीचे हम जो चौक होते हैं वो जो नॉर्मल होते हैं उसी तरह से हमारे फोल्ड होंगे। तो यहाँ मैंने कट लगा लिया है। तो इसकी स्लीव आप चाहें वैसी बना सकते हैं, स्लीव का इसमें कोई मैटर नहीं है। तो ये देखिए, इसमें मैंने सिलाई डालने के बाद इस तरह से इसको प्रेस कर लिया है। इस तरह से सिलाई यहाँ मैंने सिंपल बिल्कुल सीधी रखी, इसको कहीं मोड़ा वगैरह नहीं है। तो ये देखिए, हमारा सीधे साइड से सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ हमारी ये इस तरह से प्लेटें डल गई। आप देख सकते हो इस तरह से हमारी प्लेटें डल गई है। तो ये सिलाई डालने के बाद यहाँ पे हम गला कटिंग करेंगे, क्योंकि पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने सिलाई डालनी थी, अब नॉर्मल इसकी स्टिचिंग रहेगी। तो नॉर्मल स्टिचिंग के बाद यहाँ पे जो ये सिलाई हमने डाली, यहाँ पे आप बटन डाल सकते हो या पोटली बटन बना के डाल सकते हो, आपकी चॉइस के हिसाब से। आप यहाँ लटकन वाले बटन भी डाल सकते हो। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताया है। बाय।